हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे फर्स्ट एड के बारे में, ठीक है। फर्स्ट एड के बारे में अभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था, अभी आप देख सकते हो एमपीसीएचओ एक एग्ज़ाम है, उसमें सिलेबस में भी ऐड किया गया है फर्स्ट एड को। और जो भी अगर मैं फर्स्ट एड के बारे में बात करूँगा तो इसमें जितने भी टॉपिक आएंगे वो एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में, इसमें बताया गया है कि आपके कोई भी आसपास के एरिया में अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी कैंडिडेट है, अगर उसको चोट लग जाए, अगर उसकी कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, तो आप अपनी जो भी बेसिक फर्स्ट एड स्किल है आप उसकी सहायता से उसकी जो भी बीमारी और जो भी उसको जो खतरे हैं उसको आप कम कर सकते हो, ठीक है। जो उसकी सिचुएशन है आप उसको बिगड़ने से भी रोक सकते हो। इसीलिए बेसिक फर्स्ट एड की जो भी नॉलेज है वो होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी जो भी बेसिक फर्स्ट एड स्किल्स है उसकी सहायता से किसी भी वर्स्ट सिचुएशन को आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। इसमें डेफिनेशन देखिए, व्हेन यू प्रोवाइड बेसिक मेडिकल केयर टू समवन एक्सपीरियंसिंग ए सडन इंजरी और इलनेस, यानी इसमें कोई भी पर्सन है या कोई भी कैंडिडेट है जिसको इंजरी हुई है या इलनेस हुई है, ठीक है, तो आप उसको बेसिक मेडिकल केयर दे सकते हो ये फर्स्ट एड की सहायता से। और इसमें एक चीज़ और है, जब तक कि आप कोई भी प्रोफेशनल जो भी हेल्थ सर्विस है वहाँ तक ना पहुँच जाओ, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए, एम्स ऑफ फर्स्ट एड। अब हम बात करेंगे जो फर्स्ट एड है उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। तो जो उसके जो मेन उद्देश्य हैं वो तीन हैं, टू प्रिजर्व लाइफ, टू प्रिवेंट फर्दर हार्म, और थर्ड है प्रमोट रिकवरी, ठीक है। इसमें फर्स्ट देखिए, टू प्रिजर्व लाइफ, टू प्रिजर्व लाइफ मतलब प्रिजर्व मतलब सेव करना, ठीक है, जो लाइफ है उसको सेव करना ये मुख्य उद्देश्य है किसका, फर्स्ट एड का। और टू प्रिवेंट फर्दर हार्म यानी अगर किसी को चोट लगी है या किसी को बीमारी हुई है तो वो आगे एक्सटेंड ना हो, उसको रोका जाए। तो टू फर्दर हार्म का मतलब क्या है, अगर किसी मानिए किसी पर्सन को चोट लगी है, तो चोट लगी है तो आपको क्या करना है, उस जगह को है उसको स्थिर करना है, उस पार्ट को स्थिर करना है, देखना है कि उसमें कोई फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप उसको क्या करके रखोगे, स्थिर करके रखोगे। अगर उसमें से ब्लड निकल रहा है तो आप क्या करोगे, जो बैंडेज है वो बांधोगे, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप क्या करोगे, थोड़ी सी टाइट है वो बैंडेजिंग करोगे। और इसमें थर्ड है प्रमोट रिकवरी, ठीक है, जो भी इलनेस है और जो भी बाकी के अगर चोट है उसको आप रिकवर करने की कोशिश करोगे, ये क्या है उसका थर्ड एम, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए, थ्री स्टेप्स ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस, जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस है उसमें जो थ्री स्टेप्स है वो काम में लेना चाहिए। इसमें फर्स्ट है चेक द सीन ऑफ डेंजर, सबसे पहले आपको जो भी डेंजर है उसके सीन को देखना चाहिए कि मतलब कि खतरा कितना है, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि कितना खतरा है। आप कोई अगर इसमें मतलब कि कोई जगह है जहाँ पे आग लगी हुई है तो आपको ये देखना है कि आग कितनी लगी हुई है, और वहाँ पे आग अगर आप किसी अंदर फंसे हुए व्यक्ति को बचाना चाहते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि आपकी सिक्योरिटी वो पहले आए, ठीक है, या ये नहीं कि आप जलते जो भी कमरे उसमें घुस गए और आप भी ना निकलो और वो भी फंस जाए, ठीक है, ऐसा नहीं हो। इसमें सेकंड है कॉल द मेडिकल हेल्प इफ़ नीडेड, अगर आपको ये लगता है कि जो भी घायल व्यक्ति है, जो भी बीमार व्यक्ति है उसको तुरंत जो भी इमरजेंसी मेडिकल केयर है उसकी आवश्यकता है तो आपको एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। थर्ड है प्रोवाइड केयर, जो भी पर्सन है उसको आप सुरक्षित जगह पे लेके जाइए, आप उसको शांत रहने के लिए बोलिए और उसको वार्म ब्लैंकेट में रखिए, उसको अगर उसको दर्द हो रहा है तो आप उसको उस टाइम पे जो भी टेबलेट वगैरह है वो दे सकते हो, आप उसको सही पोजीशन दे सकते हो, ठीक है, जब तक कि कोई भी आपको जो भी इमरजेंसी मेडिकल केयर है वो ना मिल जाए, ठीक। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, ठीक है, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये फर्स्ट एड किट है ये होना बहुत ज़रूरी है, ये आपके घर में भी, आपके जो भी ड्राइविंग कार है उसमें भी होना ज़रूरी है, आपका कोई ऑफिस है वहाँ पे भी होना ज़रूरी है, ठीक। देखो, चोट लगना, बीमारी होना, ये कहीं पे भी हो सकती है, घर पे, घर से बाहर, ड्राइविंग या ऑफिस, कहीं पे भी, ठीक है, तो फर्स्ट एड किट होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें ये देखिए कि फर्स्ट एड किट में होना क्या चाहिए, इसमें एडहेसिव बैंडेज है, रोलर बैंडेज है, अब्जॉर्बेंट कंप्रेस ड्रेसिंग है, स्टराइल गॉज पैड्स है, एडहेसिव क्लॉथ टेप है, एसेप्टिक वाइप, और इसमें कुछ टेबलेट्स होनी चाहिए जैसे एस्पिरिन है, एसिटामिनोफेन है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है, हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम है, कैलामाइन लोशन है, ग्लोव्स है, सेफ्टी पिन है, सिस्टर्स है, ट्विजर्स है, थर्मोमीटर है, ब्रीथिंग बैरियर, इंस्टेंट कोल्ड पैक और ब्लैंकेट और फर्स्ट एड जो भी मैनुअल है वो होने चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी होते हैं जो भी फर्स्ट एड किट है उसके अंदर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एड बैंडेज, अगर किसी को चोट लगी है तो आपको क्या करना है, बैंडेजिंग करना है, तो उसके बारे में। इसमें देखिए,
फर्स्ट एज बैंडेज करने के लिए क्या होता है कि कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें माइनर कट लग जाते हैं, तो उसमें क्या करना होता है कि उसमें एडहेसिव बैंडेज का यूज़ करना चाहिए। अगर किसी को बड़ी चोट लगी है या उसको घाव हुआ है तो आप क्या कीजिए, जो भी स्टराइल गोज है आप उनको उस पर रखिए और जो भी रोलर बैंडेज है उसका यूज में लीजिए, ठीक है। माइनर कट के लिए हम क्या ले रहे थे, जो भी एडहेसिव टेप है वो, और जो बड़े घाव है तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी ये गोज पैड है आप उसको लगा के फिर रोलर बैंडेज है उसको काम में ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं वाउंड पर रोलर बैंडेज लगाने का तरीका, यानी जो भी वाउंड है उस पर आप जो भी रोलर बैंडेज है वो कैसे लगाएं। इसमें देखिए, जो भी इंजर्ड एरिया है उसको पहले तो आपको क्या करना है, स्थिर रखना है, ठीक है। जो भी इंजर्ड एरिया है उसको आपको क्या करके रखना है, स्थिर रखना है। उसके बाद में जो भी एरिया है उसको क्लीन करना है, आप उस पर ऑइंटमेंट लगाना है, फिर आप उसको फिर जो गोज पैड है वो लगाइए, फिर जो भी बैंडेज है रोलर बैंडेज है उस पर लगिए और फिर उसको लपेटिए। हमेशा ये याद रखना है कि जो भी आप बैंडेज लग रहे हो वो जेंटली और फर्मली बांधे, यानी थोड़ी मजबूती के साथ बांधे, ठीक है। और बैंडेज को जो भी कोई भी सेफ्टी पिंस है या जो भी स्टिकी टेप है आप उसके साथ भी बांध सकते हो। और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी बैंडेज है वो इतनी टाइट ना हो कि वहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो ही रुक जाए, ठीक है। अगर बैंडेज है अगर वो ज़्यादा टाइट बांधोगे तो आगे वो ब्लड सप्लाई वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, ठीक। जो भी लिम्ब्स है, जो भी एक्सट्रीमिटीज़ है, उसमें सर्कुलेशन का पता लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी फिंगर्स है, जो भी टॉयज है आप उसको पिंच करके देखोगे, ठीक है। जो भी उसके जो भी नेल पैड है आप उसको पिंच करोगे। अगर आप उसको 5 सेकंड तक ऐसे पिंच करोगे तो उसके बाद में क्या होता है कि उसका कलर वो चेंज होने लगता है, यानी वो पीले रंग का होने लगता है, ठीक है। अगर आप उसको जैसे ही छोड़ोगे वो 2 या 3 सेकंड में अगर पिंकनेस वापस आ जाती है उसमें नाखून में, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे सर्कुलेशन है, ठीक है। और सर्कुलेशन अगर वहाँ पे अगर वो पिंकनेस नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पे क्या है, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है। तो आपको क्या है कि जो भी बैंडेज है उसको थोड़ा सा लूज करना पड़ेगा। अब इसमें नेक्स्ट देखें इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एड फॉर बर्न्स। जो भी बर्न्स के पेशेंट है उसके लिए फर्स्ट एड में आप क्या कर सकते हो, इसमें देखिए, जो भी माइनर बर्न है उसका इलाज करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी अफेक्टेड पार्ट है आप उसको 15 मिनट तक जो भी कोल्ड वाटर है उसके नीचे रखना चाहिए, ठीक है। जो बहता हुआ कोल्ड वाटर है यानी जो भी टैप वाटर है उसके नीचे आप उसको रख सकते हो, ठीक है। और जो भी जले हुए टिश्यूज हैं आप उस पर कभी भी जो भी बर्फ है वो ना लगाएं, ठीक है। आइस का यूज नहीं करना चाहिए जो भी बर्न टिश्यू है उसके ऊपर, क्योंकि वो उसको ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। एलोवेरा क्रीम है उसको आप यूज में लीजिए। और इसमें नेक्स्ट देखिए, अगर वहाँ पे थोड़ा कुछ घाव हुआ है तो आपको इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो भी स्टराइल गोज है आप वहाँ पे लगा सकते हो, स्टराइल बैंडेज उसको लगा के उसको क्या कर सकते हो, रैप कर सकते हो। और इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक जो भी ऑइंटमेंट है आप वो काम में ले सकते हो। अगर आपको ये लगे कि वहाँ पे मेजर बर्न है यानी जो लगभग 3rd degree बर्न है, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी एम्बुलेंस है उसको कॉल कर सकते हो, जो भी इमरजेंसी मेडिकल केयर फैसिलिटीज है वहाँ पे आप उनको बता सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट एड CPR। जो CPR है उसके लिए फर्स्ट एड, यदि किसी को कोलेप्स हो जाए या अनकॉन्शियस हो जाए तो उसको आप क्या कर सकते हो, आप 112 पे कॉल करोगे। यदि बेहोश के आसपास का एरिया सुरक्षित लगता है, यानी जो भी आदमी अनकॉन्शियस है उसका आसपास का जो भी एरिया है वो सेफ है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे CPR देने लग जाओगे। CPR देने के लिए आपको फॉर्मल पता होना चाहिए कि CPR कैसे देते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें आप जो भी हाथों का यूज़ करोगे तो उसका कैसे करोगे। इसमें बताया गया है सबसे पहले जो भी अनकॉन्शियस पर्सन है उसको आप सेफ जो भी प्लेस है वहाँ पे लेके जाओगे और उसको जो भी फर्म सरफेस है वहाँ पे लेटाओगे, ठीक है। जो फर्म है, जो फ्लैट सरफेस है वहाँ पे लेटाओगे और उसको सुपाइन पोजिशन में ही लेटाना है। फिर अपने जो भी दोनों हाथ है उसको जो भी सेंटर ऑफ चेस्ट है वहाँ पे रखोगे, ऐसा हाथ ऐसे सीधे रखने हैं, ऐसे सीधे हाथ में कभी भी बेंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में कंप्रेशन देना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट में कम से कम 100 कंप्रेशन होने चाहिए और बीच बीच में आप उसको क्या दोगे, ब्रीथिंग दोगे माउथ टू माउथ, ठीक है। ये किस में आता है, ये बेसिक स्किल्स है CPR की और आपको ये करते रहना है जब तक वहाँ पे जो भी प्रोफेशनल इमरजेंसी मेडिकल केयर टीम है ना पहुँच जाए, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए फर्स्ट एड फॉर बी स्टिंग। जो भी बी स्टिंग होती है यानी जब भी कईयों को क्या होता है कि जो भी मधुमक्खी के डंक लगते हैं या जो ततैया का डंक लगता है तो उससे क्या होने लगता है, उनमें एनाफिलैक्सिस देखने को मिलता है, यानी उसको हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, जो भी एलर्जी कंडीशन है वो होने लगती है। तो बी स्टिंग के केस में 2 तरह की केस देखने को मिलते हैं, एक तो यानी किसी को ज़्यादा ही हाइपर सेंसिटिविटी रहती है, ठीक है। यानी कईयों को क्या होता है कि अगर जो भी मधुमक्खी वो काट दे तो उसको बहुत ज़्यादा क्या होती है, रिएक्शन देखने को मिलती है। तो ऐसे केस में आप 112
नंबर पे कॉल करोगे। जो 112 है ये इमरजेंसी मेडिकल केयर के लिए, ठीक है, आप 112 पे कॉल करोगे, वहाँ पे उनको इन्फॉर्म करोगे। और ऐसे ही अगर किसी दूसरे पर्सन है उसको बी स्टिंग कट किया है, यानी उसको जो डंक मारा है मधुमक्खी ने और उसमें कोई साइन नहीं दिख रहे, तो आपको वहाँ पे जो भी प्रोफेशनल मेडिकल केयर है उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट देखिए, यदि जो भी डंक है, जो बी स्टिंग है, वो स्किन में रह जाए तो आपको क्या करना है, उसको निकालना है, ठीक है। किसी भी जो भी फ्लैट ऑब्जेक्ट है उसके सहायता से आप निकाल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जो एरिया है उसको वॉश करना है पानी से, और आप उसको कोल्ड कंप्रेस करिए कम से कम 10 मिनट के लिए। जो भी डंक है उसकी इचिंग को रोकने के लिए आप कैलामाइन लोशन है उसका यूज ले सकते हो, और जो भी पेन मेडिकेशन है, जो भी पेन रिलीफ मेडिकेशन है एनाल्जेसिक है, आप उसका यूज में ले सकते हो, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एड नोज ब्लीड। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट एड के लिए, जो भी नोज ब्लीड है उसके लिए। इसमें क्या होता है, नोज ब्लीड मतलब एपिस्टेक्सिस देखने को मिलती है। अगर किसी को एपिस्टेक्सिस हो रही है, अगर किसी को नक्सीर हो रही है, नाक से खून बह रहा है, तो आप क्या करोगे और आपको करना क्या है, आप उसको पर्सन को बोलोगे कि जो भी उसका नाक है आप उसको इंडेक्स फिंगर और थंब की सहायता से ऐसे करके पकड़ोगे, और आप उसको बिठा के आगे की तरफ झुकाओगे कि आगे की तरफ वो पकड़ के ऐसे झुका ले, ठीक है। ये हम पोजीशन देते हैं, इसमें क्या होता है कि पिंच नोज एंड लीन फॉरवर्ड, ठीक है। क्या है, सिटिंग पोजीशन में हम उसको आगे की तरफ झुकाएंगे, ठीक है। लेटाना नहीं है, जो भी पेशेंट है उसको लेटाना नहीं है। आप उसको बोलोगे कि आप नाक बंद करके लेटाओ, वो गलत है, ठीक है। क्या करना है, आपको उसका नाक बंद करवाना है इंडेक्स फिंगर और जो थंब है उसकी सहायता से, ठीक है। और फिर उसको बिठाओगे और आगे की तरफ ऐसे झुकाओगे, ठीक है। ये वाली पोजीशन देनी है, एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपको 5 मिनट तक दोहराना है। अगर आप देखोगे कि ब्लीडिंग फिर भी हो रही है, फिर आपको वापस से यही करना है। अगर 20 मिनट तक ब्लीडिंग ना रुके, 20 मिनट बाद में भी आपको ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे, तो आपको क्या करना है, जो भी मेडिकल केयर है उसके लिए आपको उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एड फॉर हीट स्ट्रोक। जो हीट स्ट्रोक है उसके लिए फर्स्ट एड, इसमें देखिए, अगर किसी को ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, आपको ठंडी जगह ले जाके उसको आराम देना है। उसके कपड़े की जो भी एक्स्ट्रा लेयर है, यानी उसने बहुत ज़्यादा कपड़े पहने हैं, तो उनको हटाना है। और उसके बाद में उसके जो भी शरीर है उसको ठंडा करने के लिए आपको क्या क्या करना है, उसमें देखिए, पर्सन को कूल डैम्प सीट से कवर करें। पर्सन को किसी जो भी कूल है डैम्प सीट है उससे आपको कवर करना है। उसके गर्दन के पीछे कूल और वेट टॉवल रखें, ठीक है। जो उसके गर्दन के पीछे आपको क्या करना है, जो एक टॉवल है आप उसको ठंडे पानी में से निकालना है, उसको निचोड़ना है और उसके गर्दन के ऐसे रख देना है, ठीक है। जो पर्सन है उसको ठंडे पानी से क्या करें, स्पॉन्ज करें। ये आपको करना है किसमें, हीट स्ट्रोक में। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी पर्सन है उसमें आपको नोजिया और वोमिटिंग, मेंटल कंफ्यूजन, फेंटिंग, सीजर और फीवर में अगर 104 डिग्री जो भी फारेनहाइट है उससे ज़्यादा आपको फीवर देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, उसको इमरजेंसी मेडिकल केयर आपको उसको दिलवानी पड़ेगी, ठीक है। आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। इसमें नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एड फॉर हार्ट अटैक। जो भी हार्ट अटैक वाला पेशेंट है आप उसको फर्स्ट एड कैसे दे सकते हो। इसमें देखिए, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ा है तो आपको क्या करना है, जो भी इमरजेंसी मेडिकल हेल्पलाइन है उस पर आप कॉल करोगे और आप उसको जो पर्सन है उसको शांत रहने के लिए बोलोगे। अगर उसके पास नाइट्रोग्लिसरीन है तो उसको आप क्या करोगे, नाइट्रोग्लिसरीन दिलाओगे, ठीक है। यदि अगर पर्सन को सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उसके जो भी कपड़े आप उसको क्या करोगे, लूज़ कर दोगे, ठीक है। अगर उसकी जो भी कॉलर है उसने ऐसे बांध के रखा है, ये ठीक है, जो भी यानी टाइट कपड़े पहन रखे हैं, तो आप उसको क्या करोगे, लूज करोगे। अगर पर्सन है वो अनकॉन्शियस हो जाए तो आप क्या करोगे, CPR देना शुरू कर दोगे, ठीक है। अब इसमें हम लास्ट में बात करेंगे आउटलुक के बारे में। जो भी हम फर्स्ट एड दे रहे हैं उसकी एक छोटी सी जानकारी है। इसमें देखिए, बेसिक फर्स्ट एड के समय जो भी कॉन्टाजियस इलनेस है और अदर हैजार्ड्स है उससे जो भी पर्सन है उसको खुद को बचाना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा जो भी हैजार्ड्स है उनको हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। यानी अगर किसी बंदे को चोट लगी है और उससे ब्लड निकल रहा है, उसका जो भी बॉडी फ्लूड निकल रहा है, तो आप उसमें अपने हाथों को बचाइए, ठीक है। ग्लव्स का यूज़ में लीजिए और जो भी सेफ्टी मेजर्स है उनको ज़रूर काम में लीजिए, ठीक है। वाउंड केयर करते समय हमेशा ग्लव्स पहने, और जो भी फर्स्ट एड केयर है उसको देने के बाद में हमेशा अपने हैंड है उनको वॉश करें, ठीक है। हैंड वॉशिंग ज़रूरी है, ये बेसिक फर्स्ट एड देते समय आप हमेशा ध्यान में रखें।
ठीक है, तो ये था बेसिक फर्स्ट एड के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो इसके नोट्स है हमारी जो भी एप्लीकेशन है, ओम नर्सिंग एकेडमी की एप्लीकेशन है, आप वो गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कीजिए, आपको वहाँ पे इसके नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। और जो CHO का कोर्स है वो अभी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पे, तो IMP CHO है और बाकी CHO की एग्ज़ाम है, आप वहाँ पे जाके जो कोर्स है वो देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ओम नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।